अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लो अंशुमन जी आ गए। आ जाओ बेटा, आओ। हम डिंग लेके आए। आई छटके, ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। जी दीदी। जब तक अंशुमन बहुआ तान्या बिटिया को अंगूठी नहीं पहना लेता तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। बस हाँ, खेद है सुमन जी, वो कहा है ना कि आपके कारण हमें बहुत अपमान सहना पड़ा। अब एक ना एक दिन उस अंशुमन को इस अपमान की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। शिरीष जी, आप अंशुमन जी के साथ क्या करने वाले? कुछ नहीं, पिछली बार गोली बाहर से निकल गई थी और फिर आप बीच में आ गए थे। सुमन, लेकिन इस बार दिल की आर बाहर हो जाएगी। बहुत हमदर्दी है ना उसके दिल में आपके लिए। इस बार तो आप भी नहीं रहेंगे उसके साथ। हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करता है ना, उसको मिटाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। शिरीष जी, आज अंशुमन जी की एंगेजमेंट है ना, वो आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। क्या आप हमारी हमेशा के लिए बन सकती है? इसकी गारंटी है। शिरीष जी, अपने शादी के लिए हाँ कर तो दिया। बेवकूफ मत समझिए हमें। पंडित जी ने कहा है कि एक महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है और तब तक आपका मन बदल गया तो हमें यकीन दिला दीजिए कि आप हमेशा के लिए हमारी हो जाए। शिरीष जी, कर दीजिए हमारे अरमान पूरे। आइए। इतनी हिम्मत, देखता हूं आज तुझे कौन बचा सकता है। अरे बेटा रुको, बेटा पहले अंशुमन जी पहनाएंगे। हमें जाने दीजिए प्लीज, हमें छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है तुझे। शिरीष जी,
श्री जी अपने आप नशे में, प्लीज हमारी बात सुनिए। मैं देखता हूँ आज कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। श्री जी जोड़िया में प्लीज, श्री जी जोड़िया में प्लीज। छोटी माँ, अंशुमन भाई अपने कमरे में नहीं है, कहाँ चला गया? नहीं, ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? अभी पलक झपकते गायब हो गया, अभी तो यहीं था। बेटा बाहर जाकर देखो, फोन पे बात करते करते बाहर चला गया होगा। हाँ आरती बेटा, बाहर देख के आओ। केदारी, जरा अंशुमन भैया को देखो बाहर। अरे जाओ, सब लोग जाके ढूंढो उसको। तुमने अंशुमन को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा क्या? नहीं बाबूजी, देखा तो नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे फोन लगाने की, पर नहीं लग रहा है फोन। मैं जानती हूँ कि वो सुमन के पास गया है। अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी लाज बचाई, जैसे कृष्ण जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, प्लीज तुम्हारी भी लाज बचाई। सुनो, मैं हमेशा कहती है कि हमारा और अंशुमन जी का रिश्ता कृष्ण जी और द्रौपदी जी के रिश्ते जैसा है, पर आज तक वो भी हमारे साथ नहीं है। हमारी लाश बचाइए प्लीज। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए।
प्लीज प्लीज हमें जान दे। खत्म करके मैं इसे हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। कुछ पता चला? नेम बड़े मलिक वहां तो कोई है नहीं। कुछ कहां चला गया? सुमन का फोन आया था और वो हमारी एंगेजमेंट छोड़ के ही चले गए। सुमन जानती थी मैं। जल्दी चाहिए। आप लोगों को ऐसे अकेले छोड़ दे। भैया पापा के होश में आने से पहले दीदी को यहाँ से ले जाइए। चलो सुमन, इस वक्त यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा।
अंशुमन जी हमारी बात सुने। सुमन अब यहीं रहेगी इसी घर में। ये अब यहां से कहीं नहीं जाएगी। किस हैसियत से रहेगी यहाँ? कौन से अधिकार से रहेगी यहाँ पर? राय बहादुर खानदान की बहू की हैसियत से। जिस हैसियत जिस अधिकार से आप यहां रह रही हैं बड़ी, उसी हैसियत और उसी अधिकार से सुमन भी इस घर में रहेगी। बोले तुम अंशुमन हो? कहा बोल गए हो तुम? हाँ, तुम हमारा तुलना इस लड़की से कर रहे हो? इससे? अरे बेटा, अरे बेटा, इतने सालों से जो हम अपना खानदान का मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए परंपरा निभाते रहे, उसका ही सिला मिल रहा है हमको। सालों से जिस खानदान के लिए विधवा धर्म निभा रहे हैं हम, उसके सामने एक कल की आई लड़की को खड़ा कर दिया तुमने बड़ के बुआ। मैंने किसी को आपके सामने खड़ा नहीं किया बड़ी माँ, मैं बस इतना कहने की कोशिश। नहीं, कुछ नहीं कहो, तुम तो कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। मारा गया है तुम्हारा, बड़ा जादू कर दिया लड़की ने तुम पर, सही और गलत का परिभाषा ही भुला दिया। मैं कुछ नहीं भूला हूँ बड़ी माँ, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि सुमन नंदन की पत्नी है, जिसे माँ ने बेटी का दर्जा दिया, आपको छोड़कर घर के हर सदस्य ने जिसे स्वीकारा है। आप बस अपने अहम में इसको इसका अधिकार नहीं देना चाहते। अरे विधाता, आए मेरे विधाता, मेरे कान क्यों नहीं बहरे हो गए सुनने के पहले? अपने ही परिवार से, अपने बड़ के बउआ से विधाता। ए झुटकी, तुम देख लो अपना लाड़ प्यार का नतीजा। बेटी बनाया तुमने इसको ना, तुम्हारे बेटे का मत ही भ्रष्ट कर दिया इसने, सही गलत सब भुला दिया। तुम्हारे बड़ के बउआ ने इस लड़की के चक्कर में हमारे सभी हमने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, इसीलिए मिलेगा अपने खानदान का परंपरा मान मर्यादा सब कुछ संभाल के रखने में। इतने सालों में हमको ही सिला मिलेगा, हम नहीं सोचे थे बाबूजी। बाबूजी, आपके बड़ के बेटे के जाने के बाद इतने सालों में एक बार भी हमारे लिए समाज से कोई सवाल उठाकर, और ये मनुष्य के लिए तो समाज से हर बार बारंबार सवाल उठते रहे इस खानदान के ऊपर, फिर भी बड़ के बुआ ने हमारा तुलना इस लड़की से कर दिया, हमारा तुलना कर दिया। और ये सारे सवाल भी आप ही ने खड़े किए हैं बड़ी माँ। अंशुमन, अपने से बड़ों से इस लहजे में बात करने की परंपरा नहीं है हमारे खानदान में। फैसला सही है या गलत, तुम अपनी बड़ी माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। लेकिन दादाजी, मैंने गलत क्या कहा? मैं तो बस इतना कह रहा हूं। अंशुमन, चुप रहो, अपने बड़ी माँ से माफी मांगो। अपने बड़ों से ऐसे लहजे में बात करना गलत बात है, यही सिखाया हमने तुम्हें।
मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ। हाँ मैं गुस्से में था और मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था बड़ी माँ। अब आप ही बताइए, बड़े पापा के जाने के बाद जब आप विधवा हो गई थी, क्या घर के किसी भी सदस्य ने आप पर कोई दबाव बनाया? क्या किसी ने भी आपको सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? नहीं ना, तो फिर सुमन के साथ ऐसा क्यों बड़ी माँ? सड़क पर तो सुमन को भी किसी ने नहीं छोड़ा अंशुमन जी, ये खुद अपनी मर्जी से गई है। आंटी जी माफ कीजिएगा, आप भी हमारे घर में बस एक मेहमान है और बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी तक हमारा पारिवारिक रिश्ता बना नहीं है, और अगर बन भी जाएगा तो भी यह सवाल पूछने का हक तान्या का होगा, आपका नहीं। देख लो बड़के बुआ, घर के लोग भी सवाल करने लग गए। इस उमन विधवा है ना? विधवा है तो एक का पहने घूम रही है, हटाओ इसको। रुकिए बड़ी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? और शॉल के रंग से क्या होता है? क्या आप जानती हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी कि मुझे ये शॉल सुमन के ऊपर डालना पड़ा? तब बात सुमन की इज्जत की थी बड़ी, और तब मैंने ये नहीं देखा कि शॉल का रंग क्या है, क्योंकि दुनिया का कोई भी रंग किसी भी लड़की की इज्जत से बड़ा नहीं होता बड़ी माँ।